महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। अकेले गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 32 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की बढ़ती संख्या से सरकार और जिला प्रशासन चिंतित है। यही वजह है कि जिला प्रशासन की ओर से नया और सख्त फरमान जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली और नोएडा में और सख्ती की तैयारी की गई है। अब बेवजह कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ कर्फ्यू पास वालों को ही छूट दी जाएगी। इसके अलावा नोएडा पुलिस ने कहा है कि जब तक जरूरी ना हो शाम 4 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। इसी बीच खबर है कि नोएडा में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आनंद विहार में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी सभी पुलिस कर्मियों को तैयारी का निर्देश दिया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।